नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो सावन में बैंगन क्यों नहीं खाते हैं? काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारे मन में हमेशा संशय रहती है। कुछ लोग इन चीज़ों का पालन करते हैं और कुछ लोग इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं। तो कुछ लोग सावन के महीने में बैंगन, कढ़ी, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मूली और बैंगन, यहाँ तक भी दही भी नहीं खाते हैं। तो बैंगन क्यों नहीं खाते हैं? सबसे पहली वजह तो ये है कि इस मौसम में आते आते बैंगन में कीड़े पड़ने लग जाते हैं। इस मौसम में चेंजिंग होने के कारण बरसात के मौसम इसमें कीड़े आते हैं। इस वजह से भी बैंगन नहीं खाने चाहिए। अगर हम उनको खाते हैं तो पेट में काफ़ी जीवाणु पैदा हो जाते हैं। साथ ही साथ बैंगन नहीं खाने का दूसरा कारण ये भी है कि भगवान सावन में सबसे ज़्यादा शिव जी की पूजा की जाती है। तो शिव जी की पूजा करने के कारण बैंगन शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, और जो फल और जो फ्रूट भगवान को चढ़ाए जाते हैं उन फूल और उन फलों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और सब्जी को भी, जैसे कई लोग गाजर भी चढ़ाते हैं, तो सावन के महीने में गाजर भी नहीं खानी चाहिए और बैंगन चढ़ाते तो बैंगन भी नहीं खानी चाहिए। अदरक है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनको भी सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। तो सावन के महीने में काफ़ी लोग इन नियमों का पालन करते हैं और कुछ लोग इन नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।